प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन होने के 11 महीने बाद आखिरकार नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का प्रत्यक्ष निर्माण कार्य 2 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यह केंद्र और राज्य सरकार तथा महामेट्रो के बीच त्रिपक्षीय सामंजस्य करार होने से संभव हुआ है। अंततः यह करार नई दिल्ली में केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के सचिव मनोज सिंह, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनोज सोनिक और महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रावण हार्डिकर के बीच हुआ। राज्य सरकार ने 6,708 करोड़ रुपए की लागत वाले नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के त्रिपक्षीय सामंजस्य करार के मसौदे को पिछले महीने ही मंजूरी दी थी। महामेट्रो ने करार का यह मसौदा राज्य सरकार को इसी साल 16 जनवरी को भेजा था, लेकिन इसे राज्य सरकार ने 22 सितंबर को मंजूरी दी थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।